फ्रेंड्स, आज हमने घर में बनाया है पनीर स्टार्टर, ड्रैगन पनीर। कितना बढ़िया बना है, तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे और किन किन चीज़ों से बनाया है। बनाना शुरू करते हैं ड्रैगन पनीर स्टार्टर। ये देख के आप समझ तो गए होंगे आज हम पनीर से कुछ बना रहे हैं। जी हाँ, आज हम कोई सब्जी नहीं बना रहे, आज हम बना रहे हैं पनीर से एक स्टार्टर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं पनीर से एक स्टार्टर। ये मेरा घर का ही बना पनीर है, आप चाहें तो बाजार का ले सकते हैं। 250 ग्राम के करीब पनीर है मेरा ये। चलिए इसके मैं अब निकाल लूँगी इस तरह से स्लाइस। बाजार का जो होता है वो बड़े बड़े मोटा होता है, तो उसके आप पहले छोटे पीस काट लीजिए और फिर इस तरह से स्लाइस निकाल लीजिए। देखिए मैं ये सारे स्लाइस निकाल लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया स्टार्टर बनेगा, खाने में बहुत ही टेस्टी। अब हम अपने पनीर को तलने के लिए एक स्लरी बनाएंगे। इसमें मैं डालूंगी, ये मैंने एक चम्मच मैदा डाला और एक चम्मच ही मैं इसमें कॉर्न स्टार्च डाल दूंगी, और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुटी काली मिर्च और पानी डाल के एक घोल बना लेंगे, ना पतला ना गाढ़ा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाएं तो इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे, वरना लम्स पड़ जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है इनको स्मूथ करने में। हमें पनीर पे हल्की सी कोटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी, वरना पनीर चुई भी हो जाता है, और दूसरी बात फिर मैदे का ही टेस्ट आएगा, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। इस तरह से बस चम्मच पे कोट हो जाए बैक पे, इतना गाढ़ा बनाना है। मैंने तेल गर्म होना रख दिया और इसमें हम अपने पनीर को डिप करेंगे। ये स्लाइसेस मेरी लंबी हैं, आप चाहें तो छोटी भी कर सकते हैं इस तरह से, और एक्स्ट्रा निकाल देंगे। ये हमें बिल्कुल तेज़ आंच पे तलना है। ये देखिए हमारा पनीर सिक गया, हमें बहुत करारा नहीं करना है। अब ये जुड़ गए हैं तो आप ये इनके गरम गरम तोड़ अलग करने की कोशिश मत कीजिएगा, जब ये ठंडे हो जाएंगे हम इन्हें अलग कर लेंगे। पनीर को हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं सेकना, बस हल्का सा, अगर ज़्यादा सेक देंगे तो चूई हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं। अब मैं उसी पैन में मैंने तेल को कम कर दिया। अगर आपके पास वॉक हो, कोई हल्की कढ़ाई हो, तो आप उसमें बनाइए। और अब जो भी काम करेंगे हम तेज़ आंच पे करेंगे, कोई भी काम हम हल्की आंच पे नहीं करेंगे। मेरा ये पैन भारी है इसलिए मैंने पहले गर्म होना रख दिया था। इसमें मैं डालूँगी बारीक कटा अदरक और हरी मिर्च, इन्हें भूनेंगे। अगर आप लहसुन खाते हैं तो अदरक हरी मिर्च से पहले लहसुन डालिए। ये हल्के से सौते हो गए, ये हैं प्याज जिनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया, और इनको भी हल्का सा सौते करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर काम चाइनीज़ खाने में तेज़ आंच पे होता है, सब्जियों को हमें गलाना नहीं होता, क्रंच बनाए रखना होता है। इसको सौते करते हमें एक मिनट हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये बारीक शिमला कटिंग मिर्च। अगर आपके पास पीली और लाल शिमला मिर्च भी हैं तो वो भी डालिए, मेरे पास केवल हरी थी, मैं वही डाल रही हूँ। इसमें डालूंगी सफ़ेद तिल, मेरे ये भुने हुए हैं, अगर आपके तिल भुने हुए नहीं हैं तो आप उन्हें पहले घी में तेल में डालिए। सब्जी हमारी सौते हो गई, इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच सोया सॉस, दो चम्मच टमाटो केचप। टमाटो केचप टेस्ट को बैलेंस कर देती है। थोड़ी सी काली मिर्च, और क्योंकि ये लाल रंग का होता है तो मैं इसमें मिर्च की रंग की जगह कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, और अगर आपको ज़्यादा चाहिए रंग तो आप कलर भी डाल सकते हैं खाने वाला। ये देखिए, ये मैंने एक चम्मच कॉर्न स्टार्च लेके उसकी स्लरी बना ली है। हमारे ये सब्जी अच्छे से हो गई। तो मैं डाल दूँगी ऑनियन ग्रीन्स, और इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके स्लरी डालेंगे। हमें ये देखना है कि हमारे पनीर पे अच्छे से कोट हो जाए, इतनी गाढ़ी स्लरी बनानी है। थोड़ा सा पानी और डाल दिया मैंने, तो अब इसमें अपना पनीर डाल देंगे। ये अगर आप वॉक में करेंगे या पतली कढ़ाई में करेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। ये पनीर डाल दिए, अब इसको टॉस कर लेंगे, और ये हमारा ड्रैगन पनीर खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी पनीर स्टार्टर की। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपको कलर डार्क चाहिए तो आप इसमें कलर डाल सकते हैं,
लेकिन देखिए कश्मीरी लाल मिर्च से ही कलर अच्छा आ गया, इसलिए मैंने इसमें कलर नहीं डाला। चलिए इसको अब सर्व कर लेते हैं। पनीर स्टार्टर